बलौदाबाजार जिले में कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम कटवाझर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने मिलकर बीच चौराहे में एक युवक को तालिबानी सजा दे डाली। दरअसल मृतक जय नारायण ठाकुर को ग्रामीणों ने घेर कर लाठी डंडे और पत्थर से तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तब पुलिस ने शव कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। मृतक जय नारायण ठाकुर आदतन बदमाश था और आए दिन गांव में लड़ाई झगड़ा और विवाद किया करता था। इससे ग्रामीण तंग आ चुके थे। घटना के दिन युवक अपने मवेशियों को बांधने निकला हुआ था। इस दौरान पुरानी बातों को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उसकी बहस शुरू हो गई। इसके बाद गांव के चौराहे पर कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए और युवक को लाठी डंडे और पत्थर से मारना शुरू कर दिया। इस हमले में युवक की मौत हो गई। तो नदिया बाती जलाए जहाँ के तेल फूल पोनी होनी मासी जासी समांगी से तो हम वहाँ कटवाए रहे तो गाड़ी देते करके तो हम निकाल के दे तो हम बस लाल धरी खान में करी से वहाँ के दूध डोरी बैला है तेल बांध लिया ऐसे कही थरहा और हलचल दाही वो मन आते के लिए घर में कही सो घर के मन ला और की से का हुई का नहीं हुई चलो हम नहीं जाना नहीं करा के मारिस ने तो देख मेला राम हो कहू इहे आए थे गुंडा छोड़े है कैसे हमन ला तो हम अहू हो बाकी हम हमन का गुंडा छोड़े हमन ऐसे कैसे और यही नारायण कहते थे घलो आई से तीन चार घर ऐसे होगा तो अब तो डौकी लेकर हवा है टेका से तीते बाद जाता है कैसे कैसे वो मन मारे कहते और कौन कौन रही से इसको याद आते या देखे हवा अब तो देखे नहीं है देखे भाई दे हमरे वो घर के बहू मन आए थी कदे पाछू आखिरी में हाँ केप केप कर तो आखिरी में भी मन ऐसे हमरे घर हमारे घर के मन अब बक बक के मारी से मोर बेटा का नाम अपन का नाम का है मन आनंद भाई। कटवाझर में कल रात्रि जो है हमको सूचना मिली कि वहां पर एक आदमी की हत्या कर दी गई है, जिस पर से जो यहाँ से पुलिस दल रवाना हुआ वहां पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पता किए तो पता चला कि वहां पर जय नारायण ठाकुर करके एक आदमी है जिसकी उम्र 41 साल की, वो रहने वाला वहीं का है। उसका जो है अपने गाँव के लोगों के साथ कुछ आपसी रंजिश थी, पुराना लड़ाई झगड़ा था जिसको लेकर फिर से कल विवाद हुआ। उस विवाद पर से लोगों जो आरोपीगण है वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर उन लोगों ने जो है लाठी डंडा हाथ पैर से मारकर उसको पत्थर से मारकर उसके हत्या कर दी। सर क्या रंजिश थी इससे हत्या ये हत्या के पीछे छोटी छोटी रंजिशें थी जो काफी पहले से इनके मध्य चली आ रही थी, जो कल उस रंजिश ने बड़ा रूप ले लिया। अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, बारीकी से पूछताछ की जा रही है, जो भी उसमें संलिप्त होगा उसे जो उसके विरुद्ध जो विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। अभी पूछताछ जारी है, अभी कह पाना मुश्किल है, स्पष्ट होने के बाद कहना उचित होगा।